दोस्तों, गुजराती चेस जोन में सभी का स्वागत है। सिसिलियन डिफेंस के सामने कैसे खेला जाए उसके बारे में हम लोग ये सीरीज बनाई है मैंने। आज ये मेरा फिफ्थ वीडियो है, हाउ टू प्ले अगेंस्ट सिसिलियन। स्वेस्निको वेरिएशन आज बताऊंगा। बहुत सारे वेरिएशन हमने देख लिए, सारे वीडियो जो आगे के चार वीडियो सिसिलियन अगेंस्ट खेलने के हैं आप वो तैयार कर लीजिए और लास्ट में ये वीडियो भी तैयार कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। e4 और c5, दिस इज मेन मूव ऑफ सिसिलियन डिफेंस। नाइट f3, नाइट c6, थोड़ा सा अलग है नेस्डॉर्फ और ड्रैगन में d6 या नाइट f6 g6। यहाँ पे सेकंड मूव ब्लैक खेल रहा है नाइट c6। यहां तुरंत आपको d4 करना है जो मेन लाइन है, c takes d4, knight takes d4, knight f6 आपके पॉन के पर प्रेशर और यहां knight c3, ये सारे मूव्स मेन है। ज्यादातर लोगों को इतने मूव्स पता ही होंगे जो लोग सिसिलियन खेलते हैं या सिसिलियन के सामने प्रिपरेशन करते हैं, तो इतने मूव्स तो आने वाले ही है, आपको पता ही है। यहां पे ब्लैक e5 का e5 में यहां आपको रिप्लाई देना है knight to b5। आइडिया बिहाइंड दिस मूव knight d6 चेक और क्वीन बिशप टेक्स देन क्वीन टेक्स और आपकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग होती है, तो यहां पे knight d6 चेक को स्टॉप करना जरूरी है। तो बेस्ट ऑप्शन है यहां पे d6। d6 में एक न्यू मूव बताऊंगा, एकदम नई मूव, knight to d5। अब देखो दोनों नाइट f7 पे अटैक कर रहे हैं। ब्लैक खेलेगा यहां पे ओनली ऑप्शन है knight takes d5 और यहां e takes d5, फिर से नाइट पे अटैक आ रहा है। नाइट अगर e7 खेलता है तो यहां से शुरू होता है अटैकिंग c3। अब देखिए ज्यादातर लोग a6 करते हैं जो नाइट यहां पे प्रेशर करके रखा है उसे भगाने के लिए, और आफ्टर queen to a4 कंप्लीट के यहां से व्हाइट गेम जीत सकता है। इसके रिप्लाई में डिस्कवर चेक है। समझो कि यहां पे ब्लैक ने knight g6 खेला, तब भी आपको queen a4 खेलना है। मानो कि इसने यहां knight g6 खेल रहे, तब भी आपको queen a4 खेलना है। a6 के बाद व्हाट हैपन, यहां पे सारे मूव्स ब्लैक के लूजिंग मूव होंगे। मान लो कि यहाँ पे अगर बिशप d7 डिस्कवर हटाने का प्लान किया तो सिंपल knight d6 चेकमेट, स्मोदर मेट, तो bd7 पॉसिबल नहीं है। पॉन टेक्स नाइट, इसमें आपको सिंपल रुक मिल जाता है, तो नाइट के बदले रुक, सिंपल विनिंग गेम। अगर डिस्कवर रुकने के लिए मान लो कि queen d7 किया तो यहां knight c7 चेक, क्वीन पिन है, आफ्टर king goes d8 सिंपल queen takes queen, bishop takes queen, देन knight takes a8, तो ये भी गेम व्हाइट की फेवर में है। चलिए a6 के बदले इस पोजीशन में मान लो कि ब्लैक ने knight g6 किया, किंग के लिए जगह बनाई है, तब भी आपको खेलना है queen to a4। queen e4 में bishop d7 आ सकता है क्योंकि knight d6 चेक मेट नहीं है। तो यहां पे आप क्या करोगे, यहां एक बढ़िया सा मूव queen c4, अगेन knight c7 फॉर्क की थ्रेट है। मान लो कि ब्लैक ने रिस्पांस दिया rook c8,
क्या होता है अगर बिशप टेक्स नाइट, तो सिंपल क्वीन टेक्स बिशप और इक्वल एक्सचेंज के साथ आपकी गेम कंप्लीटली अटैक में रहेगी। तो बेस्ट चॉइस है ब्लैक के लिए रुक सी एट। अब क्या करोगे, रुक सी एट के सामने आपको सिंपल खेलना है क्यू बी फोर। आइडिया बिहाइंड दिस मूव, नाइट ई सिक्स चेक। तो यहां पे इसे बिशप टेक्स नाइट, यहां आपको खेलना है बिशप टेक्स बिशप, किंग टू ई सेवन ओनली ऑप्शन है, देखो किंग टू ई सेवन। और सबसे बढ़िया बिशप टू जी फाइव चेक, फोर्स मूव है एफ सिक्स, अदरवाइज क्यूवर में क्वीन लॉस हो रहा है। और यहां आपको खेलना है क्वीन टू जी फोर, ये है विनिंग मूव, मेट इन वन की पोजीशन। तो दोस्तों इस गेम में शॉर्ट ही मूव्स है, कुछ ही मूव्स है, और ये सिसिलियन अगेंस्ट खेलने का लास्ट वीडियो है, इसलिए सारे पांचों पांच वीडियो आप रेडी कर लीजिए, बहुत ही मजा आएगा। ये सारे मेज मूव्स, मेन मूव के बाद ई फाइव अगर ब्लैक खेलता है तो यहाँ पे नाइट बी फाइव जाना है। डी सिक्स आई थिंक फोर्स मूव है, अदरवाइज नाइट डी सिक्स चेक के बाद व्हाइट की पोजीशन काफी हद तक स्ट्रांग हो जाती है। तो डी सिक्स में आपको यहाँ नाइट डी फाइव एक्सचेंज करना है, फोर्स एक्सचेंज जरूरी है, अदरवाइज नाइट एफ सेवन को कैसे रोके। तो यहाँ नाइट डी फाइव कंपल्सरी मूव है, देखो सारे मूव कंपल्सरी है पॉन टेक्स। और अब नाइट ई सेवन, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट कौन सा है ब्लैक के लिए, नाइट बी एट, ये सबसे बेस्ट है। लेकिन आपको ये ट्रैप बताया है, अगर कोई नाइट बी एट करता है, मान लो कि किसी ने नाइट बी एट किया, तब आप सोचोगे कि सर ने इसके बारे में वीडियो नहीं बनाया, लेकिन जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो कि ब्लैक के सारे पीसेस ओरिजिनल जगह पे चले गए हैं। अब इस जगह से आपको गेम खेलना आना चाहिए, इजी विनिंग होगी, आपको सिंपल बिशप डी थ्री करके कैसल कर लेना है और बाद में आप आराम से गेम खेल सकते हो, क्योंकि ब्लैक के पीसेस जो है डेवलप नहीं हुए हैं, उसका फायदा आपको मिलने वाला ही है। लेकिन अगर नाइट कहीं और जाता है तो यहाँ पे देखो बी फाइव से मान लो कि किसी ने नाइट बी फोर किया, तो आप अगेन अटैक करके नाइट को गलत जगह पे भेज सकते हो। मान लो कि मैंने ए थ्री किया और यहाँ पे नाइट को ए सिक्स जाना पड़ेगा, तो ये पोजीशन की व्हाइट की फेवर में रहेगी। तो नाइट बी एट ओनली गुड ऑप्शन, नाइट ई सेवन में आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको क्या करना है, सी थ्री करना है। अगर ब्लैक नाइट को अटैक करता है ए सिक्स से, तो यहाँ आपको करना है क्वीन टू ए फाइव। और अगर ब्लैक नाइट जी सिक्स लाइक खेलता है, तब भी आपको खेलना है क्वीन टू ए फाइव। आइडिया सी थ्री मूव का क्या है कि क्वीन ए फाइव ले जाना है। मान लो कि किसी ने बिशप डी सेवन किया है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ बिशप ऑलरेडी नाइट को सपोर्ट करता है। और सिंपल बी डी सेवन सबसे ब्लंडर मूव है, आपको तुरंत मिल जाना चाहिए चेकमेट। तो पॉसिबल मूव नहीं है, तो पॉसिबल मूव के लिए नाइट को हटाना जरूरी है, क्योंकि किंग बहुत ही कंजप्टेड पोजीशन में है। तो दोस्तों ये थी हाउ टू प्ले अगेंस्ट सिसिलियन, स्वेस्नी में के अटैक है, और इस अटैक को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, बहुत मजा आएगा। शुरुआत के इतने मूव तो आने वाले ही है, जैसे कि यहां से हमने फोर्स मूव ई फाइव में, यहाँ डी सिक्स फोर्स मूव है, और नाइट डी फाइव में क्या रिप्लाई होगा, नाइट डी फाइव में ओनली रिप्लाई है नाइट टेक्स नाइट, क्योंकि इस चेक को रोकने का पॉसिबल और किसी पीस में नहीं है। शायद से अगर कोई रूक को बी एट या ऐसा करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाइट चेक देखिए आप किंग को यहाँ से हटा सकते हो और अपने कंटिन्यूज अटैक कर सकते हो, लाइक किंग ई एट और यहाँ से बिशप टू जी फाइव, बहुत सारे अटैकिंग मूव आपके पास रेडी है। तो दोस्तों ये थी हाउ टू प्ले अगेंस्ट सिसिलियन की सीरीज, तो मेरे आगे के सारे वीडियोस आप देख के तैयार कर लीजिए। इसके बाद हम बनाने वाले हैं रिवर्स ग्रैंड प्रिक्स गैम्बिट के बारे में एक वीडियो, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी जबरदस्त ओपनिंग सीखने को मिलेगी। जल्द ही मिलेंगे, जय हिंद जय गुजरात।